हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे वीडियो के साथ, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हम लोग क्लास से भी हम लोग कर रहे हैं और वीडियो के माध्यम से भी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते चलेंगे, ठीक है? तो मैंने जहाँ तक वीडियो डाला था यूट्यूब पे, उससे आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। क्लास आगे है लेकिन यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ कि रिविजन के लिए काम आ सकता है। ओके, तो वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैंने कुछ चीजें नहीं बताई हैं, जिसको बता देना बेहद ही जरूरी है। तो आप लोगों के सामने कभी आ जाए CH2Br, तो उसे बोलेंगे हम लोग ब्रोमो मिथाइल। जैसे हम लोगों के सामने आता था Br, Cl, आयोडीन I और फ्लोरीन F, तो हम लोग Br को ब्रोमो लिखते थे, इसको Cl को क्लोरो लिखते थे और F को फ्लोरो लिखते थे और I को एडो लिखते थे, इस प्रकार से लिखते थे। लेकिन CH2 जुड़ जाए Br से तो इसको बोलते हैं ब्रोमो मिथाइल, क्लोरो मिथाइल। ब्रोमो दो कार्बन है तो इथाइल, इसी प्रकार फ्लोरो मिथाइल, आयोडो मिथाइल, क्लोरो इथाइल। तो कोई भी ग्रुप जुड़ा होगा इस प्रकार का, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है? तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जहां तक कर लिया था, उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम एल्कीन में क्या करते थे, कार्बन की लंबा चेन का चुनाव करते थे जिसमें सी डबल बॉन्ड सी रहना चाहिए, ठीक है? अगर सी डबल बॉन्ड सी नहीं रहेगा तो फिर एल्कीन किस बात का? तो शर्त है कि कार्बन का ऐसा लंबा चेन लेना है जिसमें सी डबल बॉन्ड सी हो, ठीक है? उसके बाद लंबा चेन तो ले लिए, उसके बाद RFPD रूल को अप्लाई करना है किस पे, सी डबल बॉन्ड सी पे। इसका मतलब क्या हुआ? नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि RFPD रूल को सी डबल बॉन्ड सी पर अप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब यह हुआ कि कार्बन के चेन में सी डबल बॉन्ड सी को लो नंबर मिलना चाहिए, ठीक है? यहां तक सही है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि सी डबल बॉन्ड सी की पोजिशन दोनों साइड से सेम पड़ जाए, तब क्या करेंगे, देखेंगे कि ग्रुप की पोजीशन किस साइड से नजदीक पड़ रही है, ठीक है? लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि सी डबल बॉन्ड सी की पोजीशन दोनों साइड से सेम पड़ जाए, फिर ग्रुप की पोजीशन भी दोनों साइड से सेम पड़ जाए। तो वहां पर क्या करते हैं हम लोग, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देखते हैं, फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके, अगर ग्रुप दोनों सेम है तो दोनों साइड से नंबरिंग सही है यहां तक, लेकिन डिफरेंट ग्रुप रहेगा तो अल्फाबेटिकल देखेंगे, ठीक है? तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है, देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये NCERT का क्वेश्चन कह सकते हैं, NCERT, NCERT बेस्ड क्वेश्चन ये सब। और आप तो पहला क्वेश्चन पर ध्यान दिया जाए, ठीक है? पहला क्वेश्चन ये रहा, तो सी डबल बॉन्ड सी है तो हम लोग ऐसा लंबा चेन लेना है इसमें या फिर किसी भी क्वेश्चन में कि उसमें सी डबल बॉन्ड सी पड़े। तो मैंने क्या किया, इसको लंबा चेन मान लिया जिसमें सी डबल बॉन्ड सी प्रेजेंट है, ठीक है? इसको लंबा चेन मान लिया, ठीक है? अब देखेंगे सी डबल बॉन्ड सी किस साइड से नजदीक पड़ा, तो इस साइड से 1, 2 पे, इस साइड से 1, 1, 2, 3, या फिर इसको भी लंबा चेन लग सकता था, ये यहां तक जा सकता था, 1, 2, 3 पे पड़ रहा है, ठीक है? तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? ये कौन सा ग्रुप है बेटा, ये कौन सा ग्रुप है? अभी अभी मैंने बताया ये कौन सा ग्रुप है, देखो यहाँ पे ब्रोमो मिथाइल, कौन सा ग्रुप है, ब्रोमो मिथाइल ग्रुप है, ठीक है? तो इसे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ब्रोमो मिथाइल कितना पे है, 3 ब्रोमो मिथाइल, और इसको ग्रुप नहीं मानना, ये हाइड्रोजन ब्रांचिंग के रूप में यहाँ पे, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, 3 पे क्या है, ब्रोमो 3 ब्रोमो मिथाइल, कौन सा ग्रुप है, 3 ब्रोमो मिथाइल, ठीक है? लिख दी, कितना कार्बन है इसमें, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए क्या उपयोग किया जाता है, पेंट, डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 पे है तो पेंट 2-ईन लिख सकते हैं, ये ईएन है, ठीक है? लेकिन 3 ब्रोमो 2 पेंटेन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिख सकते हैं कि 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो मिथाइल 2-pentene, क्या 2-pentene। लिखवाए थे कि डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 पे है तो लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन डबल बॉन्ड के अलावा और कहीं पड़े तो निश्चित रूप से लिखा जाता है, ठीक है?
अगले क्वेश्चन को चेक करते हैं। तो लंबा चेन लेना है जिसमें सी डबल बॉन्ड सी पड़े, इसको भी ले सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वन टू पर डबल बॉन्ड, वन टू थ्री पर डबल बॉन्ड, तो वन टू थ्री फोर फाइव, इसको क्यों मतलब इस नंबरिंग साइड से क्यों किए, क्योंकि सी डबल बॉन्ड से इस साइड से नजदीक पड़ रहा था। ये है ब्रोमो मिथाइल और ये दोनों क्या है, मिथाइल। तो बी पहले आता है, एम बाद में आता है, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, थ्री ब्रोमो मिथाइल, थ्री ब्रोमो मिथाइल, एक है टू पे एक है फोर पे, तो क्या लिखेंगे, टू कमा फोर डाई, कौन सा ग्रुप है बेटा, मिथाइल, तो टू कमा फोर डाई मिथाइल, इतना तक हो गया। इसमें कितना कार्बन है, पांच, तो पांच कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पेंट, डबल बॉन्ड की पोजिशन टू पे है और सफिक्स होता है ईएनई, तो क्या हो जाएगा, थ्री ब्रोमो मिथाइल टू कमा फोर डाई, थ्री ब्रोमो मिथाइल टू कमा फोर डाई मिथाइल पेंटोइन, या फिर टू पेंटीन भी हो सकता था, ठीक है। ये क्वेश्चन देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड ये पढ़ रहा है तो ऐसे जाएगा, ये फिर ऐसे आ सकता है या फिर ऐसे जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, ईटी है, ये भी मतलब मिथाइल और ईटी मतलब इथाइल, तो यहाँ पे दो कार्बन होगा, तो कार्बन का लंबा चेन ये ना होकर ये होगा, यहां तक जाएगा, तो पहले इसको बड़ा कर लिया जाए, ऐसे होगा, यहाँ पे CH2Cl है, यहाँ पे Br है, और यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कार्बन होगा तो CH3 ऐसे ही हो जाएगा, CH3 CH3, यहाँ पे Me मतलब क्या है, CH3, ET मतलब इथाइल, तो CH2 CH3, और डबल बॉन्ड यहाँ पे है, ओके। तो लंबा चेन कौन होगा हम लोग का, इसमें ये होगा, ध्यान देना, यहाँ पे ये जाएगा ऐसे जाकर, ये लंबा चेन होगा, ठीक है, ये लंबा चेन होगा। अब देखेंगे कि सी डबल बॉन्ड सी किस साइड से नजदीक पड़ रहा है, तो वन टू पे, वन टू थ्री फोर पे, तो नंबरिंग इसी साइड से होगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है। ये क्या है, क्लोरो मिथाइल, ये क्या है, ब्रोमो, ये क्या है, मिथाइल, और ये है मिथाइल। तो ये शुरू होता है बी से और ये शुरू होता है सी से, और ये दोनों शुरू होता है एम से, किससे, एम से, ठीक है। तो बी और सी और एम में कौन पाले आता है, बी पाले आता है, तो कितना पे है ब्रोमो, कितना पे है, चार पे, तो क्या लिखेंगे, चार ब्रोमो, उसके बाद आता है क्लोरो, तो क्या लिखेंगे, थ्री क्लोरो, थ्री पे क्या है, क्लोरो मिथाइल, क्या है, थ्री पे क्लोरो मिथाइल, उसके बाद टू और फोर पे क्या है, मिथाइल, दो बार है, तो क्या लिखेंगे, टू कम्मा फोर डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, चार कार्बन, चार ग्रुप था, वन टू थ्री, कितना ग्रुप था, वन टू थ्री फोर, चारों ग्रुप का नाम लिख लिए। अब पेरेंट चेन बचा, पेरेंट चेन में कितना कार्बन, छह, तो छह के लिए यूज करते हैं हेक्स। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, ओके। तो ये सी डबल बॉन्ड सी यहाँ पे है, तो ऐसा लंबा चेन लेना है जिसमें ये सी डबल बॉन्ड सी पड़े, और ये हाइड्रोजन ब्रांचिंग ग्रुप में, तो और ये ब्रोमीन ग्रुप है, ये कार्बन नहीं है, और लंबा चेन लेते हैं जिसमें कार्बन ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लंबा चेन ये ले लिए, तो वन टू पे डबल बॉन्ड, वन टू थ्री पे डबल बॉन्ड, तो नंबरिंग इसी साइड से सही है, ठीक है। ये है ब्रोमो और ये है मिथाइल, तो क्या हो जाएगा, फोर ब्रोमो, ठीक है, थ्री मिथाइल, फोर ब्रोमो थ्री मिथाइल, इतना हो गया। कितना कार्बन है इसमें, चार, चार के लिए क्या यूज करते हैं, ब्यू, डबल बॉन्ड की पोजीशन टू पे और ई एन ई सफिक्स के लिए, टू ब्यूटीन भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें लंबा चेन लेना है, साफ साफ दिख रहा है कि यही लंबा चेन होगा, ठीक है, ये होगा, फिर चाहिए ये इधर भी जा सकता था, इधर भी आ सकता था, आ सकता था, दोनों सी एस थ्री है, ठीक है, यही लंबा चेन, नंबरिंग कर लें, वन टू थ्री फोर और फाइव, ये क्या है, क्लोरोमिथाइल, और ये दोनों मिथाइल ग्रुप है, कुछ नहीं तो सी है, और बैलेंस कर देंगे तो एच थ्री, इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये दोनों सी एच थ्री ग्रुप, और ये हाइड्रोजन, ये ग्रुप कोई ग्रुप रूप नहीं है, ठीक है। ये क्लोरो मिथाइल है और दोनों ये मिथाइल है, तो मिथाइल और क्लोरो मिथाइल में कौन पाले आता है, क्लोरो मिथाइल पाले आता है, क्योंकि ये सी से शुरू हो रहा है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, थ्री क्लोरो मिथाइल, थ्री क्लोरो मिथाइल, जिनका
क्लास में लेक्चर छूटा है वो वीडियो से कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और क्या हो जाएगा, 4,4 दो बार है तो डाई, क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल, 5 कार्बन है तो पेंट, डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 पे है तो 2, और सफिक्स होता है ENE, तो क्या हो जाएगा, 3-क्लोरोमिथाइल 4,4 डाईमिथाइल पेंटोइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ठीक है, लंबा चेन कौन होगा, यही होगा। ठीक है, ये तो कोई ग्रुप है, सॉरी लंबा चेन ये नहीं होगा, इसको चेंज कर लेते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन यही रहेगा, थोड़ा अलग लिख लेते हैं। CH2 Br, और ये है ET, और ये है CH2 Cl, और ये हाइड्रोजन। हम लोग पिछले ही क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ET को पहले फैलाए थे, बड़ा किए थे, ठीक है, डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ पे है तो ET को फैला देंगे तो क्या हो जाएगा, CH2 फिर CH3 इथाइल है। अब लंबा चेन कौन होगा, ये होगा, ध्यान से, लंबा चेन कौन होगा, ये होगा लंबा चेन। ठीक है, तो ग्रुप कितना बचा, 2, ब्रोमो मिथाइल और 1 क्लोरोमिथाइल, हाइड्रोजन ब्रांचिंग ग्रुप में है तो यह कोई ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो ये है ब्रोमो मिथाइल और ये क्लोरोमिथाइल, नंबरिंग कर ले, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से लंबा चेन लेना है, सी डबल बॉन्ड सी नजदीक देखना है और गिनती उसी साइड से कर लेना है। ठीक है, तो 3 पे ब्रोमो मिथाइल और 4 पे क्लोरोमिथाइल, तो दोनों में कौन पहले आएगा, ब्रोमो मिथाइल, तो क्या लिख देंगे, 3 ब्रोमो मिथाइल, फिर क्या हो जाएगा, 4 क्लोरो मिथाइल, कितना कार्बन है इसमें, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए हेक्स, डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 पे और सफिक्स ENE। ठीक है, तो 3 ब्रोमोमिथाइल 4 क्लोरोमिथाइल हेक्स टू इन। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है, ठीक है, तो आइए नेक्स्ट कंसेप्ट को देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाया करता है। ठीक है, देखिए अभी हम लोग ऐसा क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें सी डबल बॉन्ड सी एक ही था, लेकिन इसके आगे हम लोग ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें सी डबल बॉन्ड सी एक से ज्यादा हो, जैसे 2 हो 3 हो 4 हो, कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहला कंसेप्ट है कि इफ सी डबल बॉन्ड सी इज 2, जब सी डबल बॉन्ड सी की पोजीशन कितना हो, 2, तो उसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे अल्का X,Y डाइन, या X,Y अल्का डाइन। ठीक है, अल्का मतलब क्या, अल्क मतलब वर्ड रूट होता है, मेथ है, प्रोब्यूट पेंट हेक्स है, जो कुछ भी है, लेकिन अगर C डबल बॉन्ड C की पोजीशन 2 आ जाए तो क्या करेंगे, जैसे 4 कार्बन है, जैसे 5 कार्बन है और उसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 है। ठीक है, तो 5 कार्बन है, डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 है, तो पेंट न लगाकर क्या लगाएंगे, पेंटा, और एक है 1 पे और 1 है 3 पे, तो क्या लगाएंगे, Pt1,3-diene, क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 बार है इसलिए डाइन, इस तरह का हम लोग प्रयोग करेंगे। आगे अगर सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ठीक है, सी डबल बॉन्ड सी इज 3, जब सी डबल बॉन्ड सी 3 बार आ जाए तो क्या करेंगे, सिमिलरली अल्का X,Y,Z ट्राइन, या X,Y,Z अल्का ट्राइन, ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो GIE मेंस में आया हुआ है, इसको, इसका कॉमन नेम होता है एलीन, क्या होता है एलीन, याद रखना क्या होता है एलीन। ठीक है, इसका नाम कैसे लिखाएगा, सबसे पहले डबल बॉन्ड को चेक करेंगे किस साइड से नजदीक पड़ रहा है, तो इस साइड से 1 पे और 2 पे, इस साइड से भी 1 पे और 2 पे, तो 1, 2, 3 या फिर 1, 2, 3 दोनों साइड से सेम, तो कितना कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोब, लेकिन इसमें क्या लगाएंगे, ए, क्या लगाएंगे, ए, तो क्या हो जाएगा, प्रोप से क्या हो जाएगा, प्रोपा, डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 पे और 2 पे, तो प्रोपा 1,2 2 बार है तो डाई, और ENE इसका सफिक्स होता है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपा 1,2 डाइन। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण बात इसमें,
जैसे इसको बड़ा कर ले, इसमें आपसे पूछे कि इसमें सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कितना है, ठीक है? तो हम लोग पढ़ कर आए हैं कि ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो दो पाई और एक सिग्मा होता है, और डबल बॉन्ड रहता है तो एक पाई और एक सिग्मा होता है, और सिंगल बॉन्ड रहता है तो सिर्फ एक सिग्मा होता है, ठीक है? तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा 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 पाई सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया बेटा, सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है? इसी प्रकार पाई बॉन्ड कितना हो गया, इसमें पाई बॉन्ड कितना हो गया 1, यहाँ पे एक छूट गया है, डबल बॉन्ड है तो एक एम, तो 1 एंड 1 कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड में आ सकता है, ठीक है? जेई मेंस में तो आया हुआ है, ओके? कितना सिग्मा बॉन्ड है 1 2 3 4 5 6, पाई बॉन्ड कितना है 2। एक बात और, जब यहां पे लिखते रहा हूं, जब सिग्मा बॉन्ड 4 सिग्मा बॉन्ड रहता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3, और 3 सिग्मा बॉन्ड रहता है तो उसका प्रसंस्करण, जिसको हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, हो जाता है sp2, और 2 सिग्मा बॉन्ड रहता है तो उसका प्रसंस्करण हो जाता है sp, ठीक है? तो इसको ध्यान में रखने का, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दो, इस कार्बन के पास कितना सिग्मा बॉन्ड है, इस कार्बन के पास कितना सिग्मा बॉन्ड है, तो 1 एंड 1 2, और इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है 1, तो कितना हो जाएगा 3, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका प्रसंस्करण क्या हो जाएगा sp2, क्या हो जाएगा sp2, ठीक है? ये कार्बन, इस कार्बन के पास कितना सिग्मा बॉन्ड है 1 और 1 2, तो इसका प्रसंस्करण क्या हो जाएगा sp, क्या हो जाएगा sp, ठीक है? यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितना है 1 2 3, कितना है 3, तो इसका भी प्रसंस्करण क्या हो जाएगा sp2। एक का क्या आया sp2, दूसरे का sp, और दूसरे तीसरे का sp2। तो प्रसंस्करण आप लोगों से पूछ सकता है बोर्ड में भी और जेई में भी। तो प्रसंस्करण क्या हो सकता है इसका, पहले कार्बन का sp2, फिर sp और sp2, ठीक है? तो याद रखने का, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये तो इसमें लंबा चेन हम लोगों ने ये ले लिया था, ठीक है? ये लंबा चेन ले लिया, अब देखेंगे सी डबल बॉन्ड से किस साइड से नजदीक पड़ रहा है, तो इस साइड से 1 पे और इस साइड से 2 पे, लोकेंट निकालते तो इस साइड से कॉन्सेप्ट तैयार होता, ठीक है? तो नंबर इसी साइड से करेंगे, ठीक है? 1 2 3 4 5 गिनती कर लिए, ठीक है? 3 पे कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, तो क्या लिख देंगे 3 मिथाइल लिख दिए। उसके बाद कितना कार्बन है 5, 5 कार्बन के लिए पेंट, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 से ज्यादा है तो पेंटा 1, 3 डाई इन, क्या हो जाएगा पेंट 1, 3 डाई इन, ये इसका क्या हो जाएगा IUPAC में, ये IUPAC में नहीं दिया था मैंने, ऐसे ही दे दिया, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, लंबा चेन कौन होगा इसमें, ये होगा, ये लंबा चेन होगा, नंबरिंग कर ले, इस साइड से नंबरिंग किए 1 2 3 4, इस साइड से नंबरिंग किए तो डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 पे और 3 पे, ठीक है? इस साइड से नंबरिंग किए 1 2 3 4, डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 पे और 3 पे, तो क्या देखेंगे, तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि ग्रुप किस साइड से नजदीक पड़ रहा है, क्या देखेंगे कि ग्रुप किस साइड से नजदीक पड़ रहा है, तो इस साइड से 1 2 3 पे पड़ रहा है और इस साइड से 1 2 पे पड़ रहा है, तो ये वाला नंबरिंग गलत हो जाएगा और ये वाला नंबरिंग सही हो जाएगा, ठीक है? तो क्या लिखेंगे 2 मिथाइल, क्या लिखेंगे 2 मिथाइल, और ब्यूटा लिख के क्या लिखेंगे ब्यूटा 1, 3 डाई इन, और पूरे दुनिया में इसे आइसोप्रीन के नाम से जाना जाता है, क्या आइसोप्रीन, क्या आइसोप्रीन के नाम से जाना जाता है, याद रखना चाहिए। आप लोग के एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि आइसोप्रीन है इसका IUPAC नंबर देगा 2 मिथाइल ब्यूटा 1, 3 डाइन, 3 मिथाइल ब्यूटा 1, 3 डाइन, 4 मिथाइल ब्यूटा 1, 3 डाइन, या फिर 2 मिथाइल पेंटा 1, 3 डाइन, कुछ भी दे सकता है, ठीक है? ऐसे पूछ सकता है, या फिर IUPAC नेम दे दे और पूछ सकता है कि इसका कॉमन नेम होगा या फिर इसका प्रसिद्ध नेम फेमस नेम क्या होगा, ठीक है?
और दूसरी महत्वपूर्ण बात, वीवीआई इम्पोर्टेंट है, याद रखना चाहिए, इसी को आइसोप्रीन बोला जाता है। एक हम लोग पॉलीमर चैप्टर में पढ़ेंगे रबड़, नेचुरल रबड़, तो याद रखिए नेचुरल रबड़ आइसोप्रीन का पॉलीमर यानी बहुलक होता है। क्या? नेचुरल रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक होता है, ये आप लोग के एग्जाम में एक बार आ चुका है, ठीक है। और आइसोप्रीन क्या है? C5H8। क्या है? C5H8। इसमें कितना कार्बन है? 5 कार्बन और हाइड्रोजन 8 है, ठीक है। तो याद रहना चाहिए आइसोप्रीन नेचुरल रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक होता है, ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H होता है, H8 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन, इसमें लंबा चेन कौन होगा? ये होगा, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट, डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 पे 3 पे 1 पे 3 पे, लेकिन ग्रुप पे साइड से नजदीक पड़ रहा है, तो 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो ब्यूटा 1 गामा 3 डाइन, क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो ब्यूटा 1 गामा 3 डाइन। और पूरे दुनिया में इसे नियोप्रीन के नाम, सॉरी पूरे दुनिया में इसे क्लोरोप्रीन के नाम से जाना जाता है। क्या? क्लोरोप्रीन। क्या? क्लोरोप्रीन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो याद रखिए क्या कि नियोप्रीन रबर क्लोरोप्रीन का बहुलक होता है, ठीक है, याद रहेगा ना, आप लोग के एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, आप लोग के एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें लंबा चेन कौन होगा? ये होगा, ठीक है, ये लंबा चेन हो गया हम लोगों का, ठीक है। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन किस साइड से नजदीक पड़ रही है, तो लोकेंट निकाल ले, किसके लिए? लोकेंट निकाल ले डबल बॉन्ड के लिए, ठीक है, DOUBLE डबल बॉन्ड के लिए, ठीक है, लोकेंट निकाल रहे हैं इस साइड से, 1 2 3 4 5, लंबा चेन तो ले लिए हैं, लेकिन इसमें देखना है कि सी डबल बॉन्ड से किस साइड से नजदीक पड़ेगा। पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन चूंकि यहाँ पर सेम हो गई है, तो दूसरे डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेक करेंगे, ठीक है, अगर उसकी भी सेम हो जाती है तो तीसरे को चेक करेंगे, तीसरे का भी सेम हो जाता है तो चौथे को चेक करेंगे, अगर सब समान हो जाता है तो यह चेक करेंगे कि ग्रुप की साइड से उसमें नजदीक पड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट सामने आता है, ठीक है। लोकेंट निकाल लें डबल बॉन्ड के लिए इस साइड से, तो एक है 1 पे, फिर है 2 पे और फिर है 4 पे, फिर लोकेंट निकाल लें इस साइड से, तो क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5, तो लोकेंट इस साइड से कितना निकलेगा? 1 पे और 3 पे और 4 पे। सबसे पहले लोकेंट की तुलना करेंगे, ये इसका और इसका, तो दोनों एक एक पे है, और सेकंड लोकेंट की फिर तुलना करेंगे तो इसका 2 पे है, इसका 3 पे, इसको लोएस्ट लोकेंट समूह मिला है, इसको बाद में, इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन बाद में आ रहा है, तो इससे सही हो गया और ये गलत हो गया, ठीक है। तो इसी के अनुसार इसका आईपीएससी नेम लिखेंगे, ठीक है। तो इसके अनुसार रेड वाले के अनुसार इसका आईपीएससी नेम लिखेंगे, तो ये वाला सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा? 4-मिथाइल, क्या होगा? 4-मिथाइल 5 कार्बन के लिए पेंट, चूंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन एक से ज्यादा है तो पेंटा लगाएंगे, 1, 2, 4 ट्राई इन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लंबा चेन इसमें कौन होगा? या तो ये होगा, ठीक है, या तो ये होगा, ठीक है, मैंने यही लंबा चेन ले लिया, ठीक है। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन चेक करेंगे, 1 पे 2 3 4 5 6 पे, 1 पे 2 3 4 5 6 पे डबल बॉन्ड की पोजीशन से, तो लोकेट चेक करेंगे, ठीक है। तो लोकेट निकालने किसके लिए? ग्रुप के लिए, ग्रुप के लिए, तो 1 2 3 4 5 6 7, कितना पे आ रहा है? 3 + 3 + 4, 3 पे 2 बार आ रहा है। लोकेट निकाले इसके लिए, क्या निकालेंगे? लोकेट इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7, कितना पे आ रहा है? ग्रुप एक आ रहा है 4 पे, फिर 5 + 5, तो पहले लोगों की तुलना करेंगे, 3 पे ये 4 पे, तो ये वाला सही हो गया और ये वाला गलत हो गया, इसका मतलब ये सही है और ये गलत है, तो इसी के अनुसार इसका नामकरण किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 3 3 4, 3 बार है तो ट्राई, कौन सा ग्रुप है? मिथाइल, तो ट्राई मिथाइल, सॉरी ये
मिथाइल ग्रुप नहीं है, ये कौन सा ग्रुप है? आप लोगों को बताया गया था कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, ये है इथीन, ये क्या है? इथीन। तो एक ग्रुप का निर्माण होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, दो कार्बन के लिए एथ, और ये निकला है सिंगल बॉन्ड, रिमूव हुआ है यहाँ से हाइड्रोजन, तो इसका सफिक्स हो जाता है इनाइल, चूंकि ये कौन सा ग्रुप हो गया, ठीक है। तो इथीन था, इथीन से एक हाइड्रोजन रिमूव करने पर एथिनाइल ग्रुप बनता है, एथ में क्या जोड़ देंगे, इनाइल, तो इथिनाइल हो गया, तो ये इथिनाइल ग्रुप था, ठीक है। मिस्टेक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग चेक कर लेंगे, फिर से बनाएंगे। तो ये ई से शुरू हो रहा है और ये दोनों एम से शुरू हो रहा है, तो कौन पहले आएगा, ई पहले आएगा, ठीक है। तो कौन पहले लिखाएगा, ई वाला, तो क्या है, थ्री पे एथ में क्या जोड़ देंगे, ई नाइल, तो थ्री इथिनाइल होगा, उसके बाद थ्री कम्मा फोर, दो बार है तो डाई, कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप, डाई मिथाइल, ठीक है। कितना कार्बन है इसमें, सात, कितना कार्बन है, सात, सात कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, हेप्ट, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन एक से ज्यादा है, तो क्या यूज करेंगे, हेप्टा वन कामा सिक्स डाई ई, वन पे है और एक सिक्स पे, तो वन कामा सिक्स डाई, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, अभी टेक्निकल प्रॉब्लम है, ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तो आप लोग थोड़ा वेट कीजिए और क्लास के साथ कंटिन्यू कीजिए, तब तक ओके, थैंक यू।